हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल्स व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज बहुत लेट नींद खुला है, तो फिर अभी मैं सबसे पहले उठ के ऋषभ को फ्रेश कर ली और ऋषभ को नाश्ता वास्ता करा के वो अपना फ़ोन चला रहा, उधर उसे रेडी कर दी। और अभी मुझे बहुत सारा काम है, अभी खाना भी बनाना है, प्लस अभी बहुत सारे कपड़े हैं, ऋषभ का 2 दिन का कपड़ा रखा हुआ है, तो फिर अभी जाऊँगी, मैं कपड़े धोऊँगी, खाना बनाऊँगी, अभी तो तंग मत करो, खाना बनाऊंगी और उसके बाद फिर फ्री होके नहा आके फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। जल्दी जल्दी खा ले बेटा, जल्दी जल्दी, ठीक, इन्हें मुकर 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 मुकर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये रब इसका ध्यान नहीं चला रहा हूँ, बस आने अच्छी अच्छी और देंगे बेटा, ले जल्दी जल्दी खा। चुहा चुहा दूसरे रूम पे जी, चुहा हो गया रूम पे, मैं बेटा चुहा था ना तेरा जैसा चुहा बच्चा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं ऋषभ को खाना वाना खिला दी और खिलाने के बाद उसे फ्रेश कर दी और अभी मुझे खाना बनाना था आफ्टरनून के लिए, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और लंच में मैं बना रही हूँ आज दाल चावल और बीन्स आलू का ड्राई वाला सब्जी। तो मैं अभी जल्दी से खाना बना रही हूँ क्योंकि ऋषभ अभी जस्ट खा के उठा तो खेल उल रहा है और जब तक वो खेल रहा है तभी तक मेरे पास टाइम है और बहुत सारे कपड़े भी हैं ऋषभ को धोने के लिए क्योंकि बच्चे हैं और विंटर का टाइम है तो बहुत सारे कपड़े वो पहनते हैं और जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है तो हर 2 दिन में क्लीन करना रहता है क्योंकि सूखने में भी टाइम लगता है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी, उसके बाद फिर घर भी एक थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद नहा वहा के छत पे जाके धूप में बैठूँगी कुछ देर क्योंकि नहा के निकलने के बाद ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है विंटर का टाइम है। तो फिर चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, मैं जल्दी जल्दी तब तक खाना बना लेती हूँ और सब काम होने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो चावल है बन गया और दाल में भी सीटी लग गया, दाल बन गया है लेकिन बस छोंकना बाकी है तो मेरी फ्रेंड छोंक देगी और मैं अभी जल्दी से सिर्फ सब्जी बना रही हूँ और सब्जी बन जाएगा तो फिर जितना भी बर्तन है वो क्लीन कर लेगी और दाल भी छोंक लेगी और मैं जाऊँगी कपड़ा धोने क्योंकि दोनों मिल मिल के काम करते हैं तो जल्दी होता है और फिर दोनों एक ही जगह लगे रहेंगे खाना बनाने में तो फिर सब तरफ से काम नहीं होगा, कपड़े भी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, ऋषभ का कपड़ा है और नहाएंगे तो और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे तो इसके वजह से घर का जो काम है दोनों भी मिलके कर रहे हैं। अभी इसको 1-2 दिन छुट्टी है क्रिसमस के लिए तो हो जा रहा और फिर से ये जॉब ज्वाइन करेगी 26 से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम मैनेज करना, लेकिन भी अकेले रहती हूँ तो सब काम करना ही पड़ता है। मैं खाना वाना बनाती हूँ तो सब्ज़ी का जो भी कटिंग मेरी फ्रेंड करती है और सब्ज़ी जो सब कटिंग करके और फिर दाल चावल बना के मैं जब सब्ज़ी बना रही थी तो मसाला वसाले भी सारा वही सब पीसी क्योंकि मैं अगर मसाला वसाला ये सब पीसती तो और भी ज़्यादा लेट होता, तो मैं वो अगर सब्ज़ी कटिंग करती है तो फिर मैं दाल चावल जल्दी चढ़ा के फिर सब्ज़ी बनाती हूँ तो मसाला वसाले पीस के लाती है तो फिर बहुत जल्दी काम हो जाता है, ऐसे टाइम का पता भी नहीं चलता है और एक अकेले आदमी करने से सारा काम बहुत ज़्यादा लेट होता है, प्लस छोटा बच्चा उसको भी टाइम टाइम पे देखना पड़ता है, उसको भी हमेशा फ्रेश करना, खाना खिलाना और अभी ये सब 2 साल का है तो कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है कब कहाँ क्या कहाँ नहीं, वो जब उसको पेट भरा रहता है या फिर वो ठीक रहता है तो नहीं तो बाकी टाइम पे रोते ही रहता है, तो इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी जब वो थोड़ा सा खेलता है तो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और बगल में मेरी और एक फ्रेंड है, उसका भी 2 बच्चे लोग हैं तो उसके साथ ये सब ज़्यादा बिज़ी रहता है, अभी स्कूल का छुट्टी हुआ उन लोग दोनों आए तो वो खेलने में बिज़ी है, इसके लिए मैं अपना काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ अभी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग का सब्ज़ी भी जो पक के रेडी हो गया, अब मैं सब खाना को अंदर करके अच्छे से ढक देती हूँ क्योंकि बाहर ग्रिल खुला हुआ तो बिल्ली उल्ली आते रहता है, अब मैं सारा खाना को ढक के चलती हूँ कपड़े धोने के लिए और कपड़े धुल के आती हूँ नहा वहा के तब एक ही बार आप लोग से मिलती हूँ, छत पर जब बैठी रहूँगी तब अभी जाती हूँ सबसे पहले नहा के आती हूँ और कपड़े वपड़े धो लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो अभी ठंड का टाइम है, दिसंबर यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहता है पटना में, तो अभी सुबह में सारा काम वाम कर ली और खाना वाना सारा सुबह ही पर मैं जल्दी जल्दी बनाई, मेरे हस्बैंड नाश्ता करके गए और आज मैं ऋषभ को भी नहलाई
ऋषभ को भी ठंड का टाइम है तो मैं 2 दिन गैप करके ही नहलाती हूँ। तो फिर मैं ऋषभ को भी नहलाई और खुद भी नहाई। हेयर बहुत ज़्यादा गीला था तो अभी छत पे आके बैठी हूँ और हेयर ड्राई कर रही हूँ। और अभी कुछ देर बैठूँगी, जब मतलब कि थोड़ा ठीक लगेगा, धूप थोड़ा कम हो जाएगा तभी अब नीचे जाएंगे, खाना भी बाद में खाएंगे। ठंड का टाइम है तो जल्दी टाइम हो जाता है तो ज़्यादा भूख भी नहीं लगता। तो फ्रेंड्स आप लोग को दिखाता है छत पे, यहाँ पे आप लोग वीडियो को कंटिन्यू बने रहे, लोग को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज धूप बहुत ज़्यादा कड़ा है, धूप बहुत तेज़ है, इसलिए ऋषभ को आज नहलाएं हम और हम भी नहाए। हम तो ऐसे नहा लेते हैं लेकिन ऋषभ को रोज़ नहीं नहलाते क्योंकि छोटा बच्चा है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये इस तरह से छत का नज़ारा है, मेरे छत से दिखता है रूम का नज़ारा। ठंड के दिन में नहा के धूप में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है धूप में, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा लगता है और नीचे जो है बालकनी उधर से बहुत ज़्यादा हवा लगता है, नीचे कहीं भी धूप नहीं लग पाता है, इसलिए छत पे नहा के आती हूँ। और जब भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है तो छत पे आके बैठती हूँ। चल मम्मी पास आ, जल्दी है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग का सारा काम हो गया, यहाँ खाना भी बन गया। आज खाने में मैं बनाई हूँ दाल चावल और बीन्स का सब्जी, बीन्स आलू का ड्राई सब्जी बनाई हूँ। और सारा काम हो गया, मैं अभी नहावा के आई, अभी छत से आई हूँ और अभी खाना खा लेती हूँ जल्दी, फिर खाना। लो बेटा लो, जल्दी लो रे सब, लो इधर लो, उठो ना रे सब। देख देख, तुमको अच्छा चीज अच्छा नहीं लगता? माम अब हम नहीं उठेंगे, माम उठ 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 तू उठ, हम झाड़ेंगे, उठ उठ जल्दी उठ, उठो जल्दी उठो। कैसे कॉलेज में चोट लगा रहे? अरे बाप ये बेटा रुक, लो कैसे चोट लगा बेटा? नहीं देखेंगे, रुक बाप रे। देन गेट कौन कुर्सी में खोल के आ गया? अरे मन बात काए चोट लगाए बेटा, कौन चोट लगाएगा? रानी अम्मा दे जल्दी पापा के मिट्टू पकड़ के, पकड़ ले पापा के बेटा। ना निकाला है ये, काला है कैसे चोट देखी रे जन, कैसे चोट लगाया बाबू रे? मैं बताइए काला है आपके पास? हाँ काला है अम्मा, बटाटा पूरी के रिसर्व देखो पापा का लाए। देख ना बेटा जा खा ले, आ जा लाली बेटी लाली लाली, आ जा इधर आ जा। देख जल्दी रिसर्व ले बेटा, रिसर्व ये मेरा है। बेटी का है बेटो, सारे लड़का
ये बेटा खा ना बेटा। मैं इस वक्त आया हूँ काम से, इस वक्त सुबह के लिए बटाटा पूरी लेकर आया था और बेटा के लिए भी। बेटा मेरा इस वक्त देख सकते हैं आप, मेरा रानी इस वक्त देख रहा है मोबाइल। बेटा ये बेटा देखना, हाय कर दो राजा। ये बेटा देखना मेरा क्यूटी पाई, देखिए आप लोग इस वक्त मोबाइल देख रहा है हाथी राजा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड मेरे लिए ला दी बटाटा पूड़ी। अभी हम लोग खा रहे हैं, नाइट बहुत ज़्यादा हो गया। और आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।